दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद नवल में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज़ आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे उनसे आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप इस सीरीज़ के थ्रू एसेस करिए कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं। तो बिना समय को ख़राब किए चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य को शुगर बोल ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब की उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है, वेनस इज़ द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। वेनस सूर्य से कितने नंबर पे आता है प्लैनेट में? तो ऑप्शन है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ की एट। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल क्या है? कॉपेनहेगन, एथेंस, ओटावा या हेलसिंकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओटावा। नेक्स्ट, अशोका वाज एन एम्परर ऑफ द डैश डायनेस्टी। अशोका किस वंश के शासक थे? मुगल वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य वंश। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो हमारे किडनी स्टोन्स होते हैं वो किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन सोडियम क्लोराइड की, या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट की, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, या फिर कैल्शियम ऑक्सेलेट की। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रज्मनामा इज ए पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द। जो रज्मनामा है वो फारसी अनुवाद है किसकी फारसी अनुवाद है? रज्मनामा है वो पर्शियन ट्रांसलेशन किसका है? ऑप्शन नंबर ए रामायणा, ऑप्शन नंबर बी वेदास, ऑप्शन नंबर सी महाभारता, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाभारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC कोड कंसिस्ट ऑफ डैश अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, जो IFSC कोड होती है उसमें कितने डिजिट्स की अल्फा न्यूमेरिक कोड होती है? ऑप्शन ए 11 डिजिट्स की, ऑप्शन बी 14 डिजिट्स की, 7 डिजिट्स की, 12 डिजिट्स। करेक्ट आंसर है इसका 11 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी शेड्यूल्स। अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 16। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, पहले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अनंत स्वयं अयंगर, या फिर डी डॉक्टर पीवी चिरयन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम अनंत स्वयनम अयंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारे भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन एक्ट का प्रोविजन आता है? ऑप्शन है सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल या ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो ये आता है 10th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज़ द पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो बिहू फोल्क डांस है वो किस भारतीय राज्य का पॉपुलर फोल्क डांस है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी आसाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। जो येलो रेवोल्यूशन है वो किस से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ फिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ। अजात शत्रु किसके बेटे थे? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मदत्ता के, ऑप्शन सी बी बिंदुसारा के, ऑप्शन सी चेतका के या ऑप्शन डी बिंबिसारा के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिंबिसारा। नेक्स्ट है, हुमायूं टॉम इज लोकेटेड इन। जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी जयपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। जिस रिवर का बहुत चर्चा हुई है अर्ली वैदिक लिटरेचर में वो कौन सी रिवर है? ऑप्शन ए सिंधु,
ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट है NaHCO3 इज केमिकल फार्मूला फॉर, जो NaHCO3 है ये किसका केमिकल फार्मूला है? ऑप्शन ए बोरैक्स का, ऑप्शन बी वेनेगर का, ऑप्शन सी लाइम का, या फिर ऑप्शन डी बेकिंग सोडा का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन डी बेकिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर बना हुआ है? ऑप्शन ए आर्टिकल 250, या ऑप्शन बी आर्टिकल 300, या ऑप्शन सी आर्टिकल 52, या ऑप्शन डी आर्टिकल 315। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है भारत का वो कब इनेक्ट हुआ? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन सी 2000 में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर की सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, या फिर ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ आज की ख़त्म होती है। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ऐसी और भी सीरीज़ आने वाले टाइम पे आएगी जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।